हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम सीयू डॉट इन, एक ऐसी जगह जहां आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अभी मार्केट में बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हैं कि एसएससी सीपीओ जो है 2018 का एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, पोस्टपोन्ड होगा, आगे पीछे होगा, क्या होगा, इसके बारे में बहुत सारा संशय था। तो इसके बारे में एक न्यूज़ आई है, हमें पता चला है, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वेबसाइट को, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी आप यूज़ करते हो, इतना भी यूज़ करते हो सोशल मीडिया, सब पे इस मैसेज को शेयर कर दो ताकि सबको मालूम चल जाए क्या है ये इन्फॉर्मेशन। तो आपको मालूम है, जैसे कि अभी हाल में बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ था, कुछ बच्चों ने एसएससी 2017 के खिलाफ प्रदर्शन किया था, सीबीआई में केस गया और सीबीआई ने एक एफआईआर लॉन्च किया। एफआईआर में जो भी उन्होंने सबूत दिया था, स्क्रीनशॉट दिया था, सब दिया था, वो तथ्य सब सही पाया गया। अभी आगे उसका इंक्वायरी होने वाला, चार्जशीट नहीं दायर किया गया है लेकिन एफआईआर जरूर लॉन्च कर दिया गया है सीबीआई की तरफ से। तो उससे एक बात तो तय हुआ कि वेंडर जो है वो एसएससी का चेंज होने वाला है। ओके, क्योंकि वेंडर जो सिफी है, सिफी नाम का वेंडर, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो उसने काफ़ी घोटाला किया, गड़बड़ किया। इस बात की इसके बहुत सारे ठोस इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, प्रमाणित करना बाकी, सीबीआई उसके खिलाफ चार्जशीट दायर करेगी, लेकिन बहुत संदिग्ध पाया गया है। तो इसको लेके वेंडर तो चेंज होने वाला है, नया वेंडर का प्रपोजल भी बन रहा है, और इसके अलावा कई लोगों ने एसएससी सीपीओ होगा कि नहीं इसको लेके उनका जो वेबसाइट है inquiry@sscnr.gmail.com, ये आप लोगों को मालूम होगा। तो जब वहाँ उन्होंने मैसेज लिखा तो उनको ये पोस्टपोन्ड का मैसेज मिल रहा है। कई सारे स्टूडेंट जिन्होंने लिखा तो वो हमसे आके शेयर कर रहे हैं कि सर, हमें ये सिर्फ पोस्टपोन्ड रिप्लाई आ रहा है। आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा एसएससी की तरफ से, लेकिन फिलहाल तो अभी अगर आप भी चाहो तो इस पर आप लिख के भेज सकते हो कि इसका स्टेटस क्या है, एसएससी सीपीओ 2018 जो एग्ज़ाम है कब होने वाला है, निर्धारित समय पर होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो आप देखो आपको क्या रिप्लाई आता है। और जैसा कि आपको मालूम है कि सीबीआई का जो एफआईआर हुआ है उसमें बहुत सारा उसमें कुछ एसएससी के अगेंस्ट ही लिखा गया है, कुछ फेवर में नहीं लिखा गया है। तो वो अगर आप एफआईआर का कॉपी देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो उसका भी लिंक हमने इसके नीचे डाल दिया है। आप लिंक खोल के एफआईआर की कॉपी पूरे अच्छे से पढ़ के समझ सकते हो। तो दोस्तों, शेयर करो इस इन्फॉर्मेशन को, हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो जितना हो सके, और हमारे साथ बने रहो क्योंकि हम बहुत सारे स्टडी मटेरियल, ट्यूटोरियल, सब कुछ लाने वाले हैं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच।